गाइज ये अपना मास्क उतार रहा है और ये बताने वाला है कि इसका फेस कैसा दिखता है। तो हे गाइज आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसी होगी आइसक्रीम 4। सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आइसक्रीम 4 को लेके, तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या है उसमें नया मैप, कहाँ कहाँ हम लोग जा सकते हैं और क्या उसकी सीक्रेट्स है और हमारा रॉड दिखता कैसा है। तो इस बार हमारा शाउट आउट जाता है संगीता सिन्हा, उमेश चौधरी और प्राजक्ता दास को। तो कंग्रेचुलेशंस गाइस से हमारे शाउट आउट में आने के लिए। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल क्लिक करिए और मेरे इंस्टाग्राम @iamshadeplays में जाके फॉलो करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट गेम कौन सा खेलना है। तो हमें तो पता है कि रॉड हमेशा हमारी फ्रेंड्स को पकड़ के ले जाता है। आइसक्रीम 1 में वो हमारे बबलू को पकड़ के ले जाता है और हमें उसे बचाना पड़ता है। सेम आइसक्रीम 2 में वो हमारी बबली को पकड़ के ले जाता है और उसे हम बचाते हैं। और आइसक्रीम 3 में माइक जाता है बचाने के लिए अपने फ्रेंड्स को, पर रॉड उसे आइसक्रीम खिला के मोटा कर देता है और उसे फ्रीज करके अपने साथ ले जाता है। तो गाइज अब हम लोग देखने वाले हैं कि आइसक्रीम 4 में क्या डिफरेंट होने वाला है। और अगर आप लोग को रॉड का फेस देखना है कि रॉड कैसा दिखता है तो ये वीडियो पूरा देखिए। तो ये रहा हमारा बबलू जो मिस हो रखा है, और भी बहुत सारे जन डिसअपीयर हो रखे हैं ये अंकल, और ये रही हमारी बबली जो भी डिसअपीयर हो रखी है। तो हमें इन सबको बचाना है। तो हम ये कोई अलग से रूम में उठे हैं, एकदम अलग रूम है, कभी भी ये रूम हम लोगों ने देखा नहीं है। तो आइसक्रीम 4 में हमारा ये रूम शायद डिफरेंट होगा। ये की को हमें उठाना है और हम यहाँ से निकलेंगे, इस डोर को खोल देते हैं और यहाँ से निकले। तो हम आ गए हैं कोई डिफरेंट रूम में और यहाँ पे बहुत सारी फोटोज लगे हुए हैं, कोई अंकल एंड आंटी है, शायद ये जे के मम्मी पापा है। तो ये रहा जे और जे के मम्मी पापा। और ये रूम बहुत डिफरेंट है, यहाँ पे कुछ कागज पड़े हैं, यहाँ एक अलमीरा सा है। तो चलो ये गेट खोल के हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ओ वापस से हम लोग ये रूम में आ गए हैं। तो चलो ये स्लिंग शॉट को उठा लेते हैं और यहाँ से हम लोग निकलते हैं। चलो 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 यहाँ से चलते हैं फटाफट। ये तो वही रूम है जिसमें से हम लोग हमेशा निकलते हैं। तो यहाँ से चलते हैं हम लोग, इस गेट को खोलते हैं और यहाँ से निकलते हैं। इसको यहाँ फेंक दिया और की को ढूंढते हैं, की कहाँ है। ये रहा की, इस की को लेके हम लोग चलेंगे और इस गेट को खोलते हैं। और कहाँ है रॉड, गिरा ही गिरा, इसको उठा लेते हैं। रॉड कहाँ पे पता नहीं, इसको उठा उठा रॉड कहाँ, इसको यहाँ पे फेंक देते हैं। रॉड 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 आवाज से भाग, ये रहा रॉड रॉड, वो भगा। अरे 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 भागो 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 भागो, अरे भागो 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 भागो, आजा आजा रॉड, आजा 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 रॉड आजा। चलो घर के अंदर चलते हैं, भागते 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 रॉड आ रहे रॉड आ रहे रॉड, शायद घर के अंदर तो नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। अरे वो घर के अंदर आ गए, स्लिंगशॉट से इसको मार देते हैं। बाप रे बच गए यार, इसको उठाओ इसको उठाओ, उसका सर चकरा रहा है। तो चलो उसको सर चकराने दो, उठ गया उठ गया उठ गया, भागो भागो भागो। ऊपर भागते वो घर के अंदर आ सकता है गाइस आइसक्रीम 4 में। आ गया वो, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, आ जाओ आ जाओ, इसको मारते हैं। ओ उसका सर चकराने लग गया। और चलो यहाँ से हम लोग निकलते हैं फटाफट। तो चलो यहाँ से फटाफट निकलते हैं, स्टेट से हम लोग उतर गए, ये गेट खोल लिया। और ये रहा देखो सीक्रेट इंग्रेडिएंट। अगर आप लोग सोच रहे हो ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट कहाँ से आया, तो आप लोग को पता होगा कि आइसक्रीम 3 के लास्ट में हमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिल जाता है जो रॉड के पास में होता है। और ये आइसक्रीम 4 के अंदर में हम लोग ड्राइव भी कर सकते हैं। तो हम लोग फटाफट मेन सीट के अंदर चलेंगे और ड्राइव करेंगे और इसको यहाँ पर रख देते हैं। और चलो लेट्स गो, हमारा न्यू मैप अभी आएगा। तो इस बार हमारा न्यू मैप में है स्टॉल, नन का स्कूल, रॉड स्कूल, नेबरहुड और सिस्टर मैडलिन का घर। तो पहले हम लोग चलने वाले हैं रॉड हाउस। तो ये आ गए हम लोग रॉड के घर। तो चलो फटाफट यहाँ से निकलते हैं हम लोग। तो ये गेट खोला और ये निकल गए। और ये गाइस देखो क्या है, ये है रॉड का घर। गाइस यहाँ से हम लोग चलते हैं ऊपर में और देखते हैं कि रॉड के घर में क्या डिफरेंट है। तो ये देखो रॉड का फेस, ये रहा स्टैचू है यहाँ पे और ये इसकी बिल्डिंग है। आप लोग को पता होगा कि जब हम लोग आइसक्रीम 1 खेले थे तो जब हम लोग हार जाते थे तो रॉड के हाउस में आ जाते थे लास्ट में। तो चलो अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं और अभी चलने वाले हैं हम लोग नन के घर, नन हाउस चलेंगे हम लोग। वो एक कट सीन भी आया है एक, जिसमें ये सिस्टर मैडलिन दिख रही है।
Now, how do I help Rod? ये हेल्प करना चाहती है रॉड को और यहाँ पे आ गई हमारी इविल नन। तो इस गेम में होने वाली है इविल नन भी। यार गाइस आपको पता है आइसक्रीम 3 में हम लोग ने इविल नन को देखा था, तो ये रही हमारी इविल नन। बाप रे क्या खतरनाक लग रही है। Your evil nun पता नहीं क्या होने वाला है इस गेम में। इसको देख के मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है। Now they will suffer. मुझे पता नहीं था कि ये रॉड की मॉम होगी यार। और ये इसके पाँव क्यों छू रही है? शायद पाँव में लेट गई है, उससे कुछ गलती हो गई है क्या? बस की स्माइल देखो, वियर्ड स्माइल गाइस, इसकी स्माइल देखो। और ये लोग आइसक्रीम की वैन लेके आ रहे हैं। आइसक्रीम वैन लेके आ गए दोनों जन। ओ इसमें क्या है? रॉड का फेस, रॉड का मुखट्टा। गाइस अगर आप लोग को रॉड का फेस देखना है तो लास्ट तक आप लोग को रहना पड़ेगा। रॉड इससे बात कर रहा है और इसे पूछ रहा है कि आपने मुझे क्यों छोड़ दिया था। अरे खत्म, अरे मुझे आगे भी देखना था कि क्या होने वाला है, बस इतना सा सीन क्यों रखा इन्होंने। तो गाइस चलो चलते हैं अभी हम लोग नन के स्कूल में। और नन के स्कूल में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि रॉड का क्लास कौन सा था। तो ये गाड़ी से हम लोग पहुंच गए हैं नन के घर। ये सेम वही प्लेस है जो हम लोग इविल नन में खेलते थे। तो ये रहा, आ गए हम लोग और यहाँ पे आने वाली है इविल नन। ये रही इविल नन, इविल नन आ गई, इविल नन आ गई यार। और ये मार दिया इविल नन ने हमें। ओ शिट यार, और वापस से हम लोग पहुँच गए इस रूम के अंदर में। और यहाँ से हम लोग निकलते हैं, तो इसको खोलते हैं हम लोग पहले। ये ट्रैप डोर है, इसको खोले और यहाँ से फटाफट निकलते हैं। और मैं आप लोग को बताऊँगी कि रॉड का क्लासरूम कहाँ पे है, उसको हम लोग पहले ढूंढेंगे। तो इसको खोलते हैं और चलो यहाँ से निकलते हैं। हमारी इविल नन ना आ जाए यहाँ पे, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। फटाफट यहाँ से निकलते हैं, इधर से हम लोग चलेंगे और ये गेट को खोलते हैं। खोलो खोलो खोलो, इस गेट को खोलो और फटाफट निकलते हैं, फटाफट निकलते हैं, फटाफट निकलते हैं। यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो, इसको खोलो। तो गाइस देख लो, ये रहा वो क्लासरूम जहाँ पे पढ़ता था रॉड जब वो छोटा था। और यहाँ पे लोग उसे टीज करते थे जब भी करके। और उसने यही क्लास में सोचा था कि वो लोगों को मोटा करेगा और उन्हें पकड़ के ले जाएगा। और गेम के लास्ट में हम लोग देखते हैं कि माइक कोई केज के अंदर में है। ये रहा माइक। और बबलू भी कोई केज के अंदर में है, इसका मतलब सबको उसने केज के अंदर डाल दिया है और हमें केज से इन्हें बचाना है। और ये रही हमारी बबली जो भी केज के अंदर में है। और ये लोग बात कर रहे हैं कि इन लोग कैसे निकलेंगे यहाँ से बाहर। माइक यहाँ ट्राई कर रहा है इसको तोड़ने की। टूटेगा क्या? ऐसे कोई टूटता है क्या? अरे टूट गया, अरे खुल गया ये। और ये यहाँ से बाहर निकलने लग गए, ये बाहर निकल गया यहाँ से। इन लोग को भी ये बचा रहे हैं। और इन लोग गेट से बाहर निकल जाते हैं तो बच गए इन लोग शायद। और ये गेम की एंडिंग है, इसमें हमें इन्हें बचाना नहीं पड़ता है क्या? ये आ गई बाहर में और अचानक आ गया है रॉड का वैन, तो वो शायद इसे पकड़ लेगा। आ गया रॉड। गाइस भाग जाओ तुम लोग, वरना रॉड तुम्हें पकड़ ही लेगा फटाफट। ये आ गए रॉड आ गया, रॉड आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि रॉड का फेस कैसा दिखता है। और ये आ गया और ये इन्हें पकड़ ना ले यार गाइस। अचानक से हम लोग आ जाते हैं और हम लोग इसे पूछते हैं कि भाई अपना फेस दिखा दे। सब लोग पूछे कि फेस दिखा दे और ये हंसता है। हंस रहा भाई, फेस दिखा दे, क्या हंस क्या रहा है, दिखा लोगों को तेरा फेस कैसा दिखता है। और ये उतार रहा है अपना मास्क। गाइस ये अपना मास्क उतार रहा है और ये बताने वाला है कि इसका फेस कैसा दिखता है। और ये रहा रॉड का फेस। गाइस देख लो रॉड ऐसा दिखता है, देख लो ये रहा रॉड। बहुत अजीब सा लगता है यार, टकला है तो। इसके आगे क्या होता है मुझे पता नहीं है कि क्या हमारे फ्रेंड्स बच के भाग जाएंगे रॉड से या फिर वापस से पकड़े जाएंगे। इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा आइसक्रीम 4 का। और आप लोग सबने इतने मैसेजेस किए कि दीदी वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, क्या हो गया? तो गाइज आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच गाइज आप लोग के इतने अच्छे कमेंट्स के लिए, आप लोग के इतने प्यार के लिए, थैंक यू सो मच। और अब से प्रॉमिस है कि वीडियोस बिल्कुल भी लेट नहीं होगी, एकदम टाइम पे आएगी। मैं वीक में 2-3 वीडियो तो डाल ही दूंगी। तो ये थी फैन मेड ट्रेलर। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को दबाओ, क्योंकि उसको दबाओगे तो आप लोग को पता चलेगा मेरी वीडियोज़ आ गई है।
और मेरे वीडियोस को शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। और मुझसे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, आई एम शेड प्लीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।